पेट्रोलियम, क्या आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में ईंधन के रूप में किस वस्तु का इस्तेमाल होता है? वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का उपयोग किया जाता है। अब यह सोचने वाली बात है कि पेट्रोल या डीजल का क्या स्रोत है, यह कैसे बनता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पेट्रोल और डीजल, स्नेहक तेल इत्यादि सभी पदार्थों का एकमात्र स्रोत है पेट्रोलियम। यह पेट्रोलियम लैटिन शब्द है, पेट्रा तथा ओलियम से बना है। पेट्रा का अर्थ होता है पत्थर और ओलियम का अर्थ होता है तेल, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पत्थर का तेल। पेट्रोलियम गहरे रंग का गाढ़ा तैलीय द्रव होता है। पेट्रोलियम भी जमीन के अंदर मौजूद होता है, जो ड्रिल करके निकाला जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि पेट्रोलियम जमीन के अंदर कैसे बनता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मरने से होता है। ओके, जब ये जीव मर जाते हैं तो समुद्र के तल में बैठ जाते हैं। उस पर मिट्टी और रेत की सतह जो होती है चढ़ जाती है। लाखों करोड़ों वर्षों तक वायु न मिलने के कारण, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये धीरे धीरे पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम गैस में ये बदल जाते हैं। और जब पेट्रोलियम को अलग अलग तापों पर गर्म किया जाता है तो उसमें से अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, जैसे में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और बिटुमेन, ठीक है, आदि और भी चीज़ें निकलती हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।